हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पिवट पॉइंट्स की जो स्ट्रेटेजी थी उसके ट्रेड्स कि निफ्टी पे ये लास्ट 1 मंथ अराउंड कैसे ट्रेड्स आए हैं, पिवट पॉइंट की जो स्ट्रेटेजी थी उसको लेके। सो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको थोड़े रूल्स के बारे में मैं आपको थोड़ा ब्रीफ अप दे देता हूँ कि रूल्स क्या थे पिवट पॉइंट की जो स्ट्रेटेजी थी उसके। सो रूल्स ये थे कि हम लोग पिवट पॉइंट यूज़ करेंगे, जो है उसमें हम लोग यूज़ करेंगे पी, जो पिवट पॉइंट होता है वो S1, S2 और R1, R2, R3, R4, S3, S4 का हमको कोई यूज़ ये स्ट्रेटेजी में नहीं है। फिर जो टाइम फ्रेम होगा वो होगा 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम। अब हम लोग वेट करेंगे प्राइस को कोई भी पिवट पॉइंट पे पुल बैक लेने के लिए, कि अगर वो ऊपर जा रहा है, सो लेफ्ट से हमको बाय करना है और प्राइस ऊपर जा रहा है कंटिन्यूसली पिवट पॉइंट को ब्रेक करके, तो हम लोग वेट करेंगे कि वो कोई भी पिवट पॉइंट पे वो पुल बैक ले और उधर से वापस ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जाना चालू करे, तो हम लोग बाई कर देंगे। और जो स्टॉप लॉस होगा वो हम या तो वो कैंडल का लो, अगर वो लोवेस्ट लो होगा, या तो उसकी जो प्रीवियस पुल बैक कैंडल जहाँ पर एंड हुआ है उसका लो हम लोग स्टॉप लॉस रख देंगे। और जो टारगेट होगा वो अपर पिवट पॉइंट, जो जो भी हमारे लेट से R1 पे उसने पुल बैक लिया, सो R2 हमारा टारगेट हो जाएगा। इस वे में हमको ये स्ट्रेटेजी को यूज करना है। सेल के लिए रूल्स अपोजिट हो जाएंगे, बट मेन रूल्स यही रहेंगे कि पुल बैक के लिए हमको वेट करना है। पुल बैक आएगा, जैसे ही पुल बैक एंड होगा हम लोग वहां पर एंट्री करेंगे। सो इस वजह से हमारा रिस्क काफी छोटा हो जाएगा और टारगेट काफी अच्छे के अच्छे मल्टीपल्स में आएगा इनका इन रिलेशन टू इट्स रिस्क। सो स्टार्ट करते हैं ट्रेड्स देखते थोड़े, सो ज्यादा अच्छे से आइडिया आ जाएगा। सो 10th मे को निफ्टी पे ट्रेड लगा था। सो ये देखिए मैंने यहाँ पर पिवट पॉइंट लगा दिया। मैंने यूज किया R1, R2, ये पिवट पॉइंट S1, S2, ठीक है। सो यहाँ से देखिए ट्रेड्स बढ़ना चालू हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक की रैली, फिर यहाँ से ये पुल बैक आया, ये पुल बैक यहाँ पर एंड हुआ और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाई। सो पुल बैक बढ़ा, पुल बैक आया और ग्रीन कैंडल। सो ये ग्रीन कैंडल के क्लोज पे हम लोग एंट्री कर देंगे और जो स्टॉप लॉस होगा या तो वो यही कैंडल का लो, लोएस्ट लो होगा तो यही कैंडल का लो, या तो प्रिय, ये दो कैंडल को हमको कंपेयर करना है, जिसका लोएस्ट लो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस। तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा ये कैंडल का लो और हमारा टारगेट होगा अपर बैंड इस चीज का। सो बस हमारा यहाँ पर टारगेट अचीव हो गया और 9 पंता को हमारी एग्जिट हो चुकी है यहाँ पर। देन जो नेक्स्ट ट्रेड है वापस यहाँ से नीचे चलना चालू किया उसने, यहाँ से वापस ग्रीन कैंडल बन गई, यही पॉइंट पे हमारी एंट्री आ जाएगी और जो एग्जिट होगा वो इस पॉइंट पे हमारा हो जाएगा 18,351 पे एग्जिट। सो इस वे में हमने यहाँ पर एग्जिट कर दिया। फिर यहाँ से देखते तो कंटिन्यूसली ग्रीन 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 बन रहे और यहाँ पर पुल बैक लिया। अब यहाँ पर देखते हैं ग्रीन के बाद रेड बन गए और क्लोज भी नीचे दे दिया। सो यहाँ पर एक और पुल बैक आप यहाँ पर देख सकते हो। सो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 18,459 का और टारगेट होगा वो नीचे वाला जो भी नेक्स्ट जो भी पिवट होगा, पिवट का जो लाइन होगी वहाँ पर हमारा टारगेट होगा और वो टारगेट हमारा यहाँ पर अचीव हो चुका है। सो काफ़ी अच्छा हमारा यहाँ पर टारगेट अचीव हो गया है। सो इस वे में हम लोग ये स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं कि क्योंकि देखिए आपका रिस्क काफी छोटा है, स्टॉप लॉस आपका काफी छोटा है यहाँ पर और काफी बड़ा आपको गेन मिलता है ये स्ट्रेटेजी के साथ। फिर आगे चलते हैं। सो यहाँ पर हमारी वापस पुल बैक लिया, कंटिन्यूसली डाउन गया, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना के ऊपर भी क्लोज दे दिया। सो ये पुल बैक गिना जाएगा। सो यहाँ पर एंट्री आ गए, स्टॉप लॉस होगा वो ये कैंडल का लो होगा क्योंकि वो लोएस्ट लो है और यहाँ पर हमारा SL हिट हो गया जो कि काफी छोटा है, SL है 29 पॉइंट्स का ओनली। देन आगे चलते हैं, यहाँ पर कोई पुल बैक नहीं लगा क्योंकि काफी नीचे चला गया ऑलरेडी। फिर हाँ यहाँ पर लगा, देखिए यहाँ से टच करके नीचे आ गया और जैसे ही वापस मेरी रेड कैंडल बनेगी हम लोग ये रेड कैंडल पे शॉर्ट कर देंगे। सो यहाँ से शॉर्ट करेंगे, इस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस हो जाएगा और इजी वे में हमको यहाँ पर टारगेट अचीव हो जाएगा। 241 पे 915 की कैंडल पे हमारा टारगेट अचीव हो गया। सो कितना फास्ट आपको ट्रेड पे मूव मिलता है, कितने छोटे स्टॉप लॉस के साथ आपको कितना बड़ा आर टर्म्स में, जो रिस्क टू रिवॉर्ड के टर्म्स में आपको काफी अच्छा गेन यहाँ पर दिख सकता है। फिर जो लास्ट ट्रेड हमारा लगा है ये मंथ में वो यहाँ पर लगा है, जो आप देख सकते हो यहाँ पर कंटिन्यूसली डाउन गया, ग्रीन कैंडल बना के ऊपर क्लोज। सो ये पुल बैक गिन लेंगे हम और यहाँ पर स्टॉप लॉस रख देंगे और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद काफी अच्छा मूव दिया बट थोड़े वे में हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया और उसके बाद उसने मूव दिया, सो हमने वो छोटा सा लॉस ले लिया 31 पॉइंट्स का। तो भी अगर आप देखें तो ये मंथ में, ऑलमोस्ट ये मंथ में आपको 509 पॉइंट्स का गेन हुआ है निफ्टी में।
ये स्ट्रेटेजी को यूज करके। सो इस वे में आप ये स्ट्रेटेजी को यूज करके काफी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। सो होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।